हेलो दोस्तों, आज एडवांस मिंटो में सीखें। मिंटो में एक ही साथ सारे इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स निकालने का तरीका सीखें। दोस्तों, किसी भी वाक्य में हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन तथा हाउ मच लगाने से जो जवाब होगा वो सारे के सारे एडवर्ब्स होंगे, यानी किसी भी वाक्य में कैसे, कहाँ, कब, कितनी बार तथा कितनी मात्रा में लगाने से जो जवाब होगा वो सारे के सारे एडवर्ब्स होंगे। उदाहरण के तौर पे, वह यहाँ ठीक से बिल्कुल थके हुए लोगों की प्रायः रोज सेवा करता है। यहाँ तमाम ऊपर बताए गए शब्दों के सहयोग से सवाल किए जाएं तो जो भी जवाब आएंगे वो सारे के सारे एडवर्ब्स हैं, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। अब हम ये जानें आखिर एडवर्ब है क्या। एडवर्ब जैसे ही वर्क वेल, वह ठीक से काम करता है। यह वर्ब की विशेषता क्या है? वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है। यह वर्ब की विशेषता ठीक से, अतः वेल एडवर्ब है। उसी तरह स्थान बताने वाला एडवर्ब होता है। समय बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है। फ्रीक्वेंसी बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द भी एडवर्ब होता है, और एडवर्ब की विशेषता बताने वाला भी एडवर्ब ही होता है। जैसे ही वॉज क्वाइट वेल, यहाँ वेल ऑलरेडी एडवर्ब है और एडवर्ब की विशेषता बताने वाला क्वाइट यह शब्द भी एडवर्ब ही कहलाएगा। तो दोस्तों, मैंने एडवर्ब की भी जानकारी हासिल की। अब नीचे कुछ शब्द वाक्यों के साथ जिसमें भी एडवर्ब की चर्चा है, जैसे ही वर्क्स वेल, येट ही डज नॉट गेट वेजेस प्रॉपरली। वह ठीक से काम करता है फिर भी उसे ढंग से मजदूरी नहीं मिलता। यहाँ पे वेल एडवर्ब है। ही वर्क्स हियर विदाउट ए स्पिरिट। वह यहाँ काम करता है बिना उत्साह। यहाँ हियर एडवर्ब है। देर इज नो पैरिटी बिटवीन हिम एंड माई ब्रदर। उसमें और मेरे भाई में कोई पैरिटी यानी समानता नहीं है, कोई समानता नहीं। ही वर्क्स हियर विदाउट ए स्पिरिट। वह बिना उत्साह का काम करता है जबकि मेरा भाई उत्साह के साथ काम करता है। देर इज नो पैरिटी, दोनों में कोई समानता नहीं। यह भी हमने हियर एडवर्ब को देखा। अब चलते हैं दूसरे शब्दों के साथ। ही ऑलवेज वर्क्स हियर। वह हमेशा यहाँ काम करता है। वाइल दिस प्लेस हैज पैंडेमोनियम। जबकि इस स्थान पे कोलाहल ही कोलाहल हुआ करता है, शोर ही शोर हुआ करता है। यहाँ हमने ऑलवेज एडवर्ब को देखा जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब अंतिम सेंटेंस के साथ चलते हैं। ही हेल्प्स क्वाइट टायर्ड पीपल। वह बिल्कुल थके हुए लोगों की सेवा करता है, विच इज पैल्पेबल, जो नज़र में आ रहा है। पैल्पेबल मीन्स नज़र में आ रहा है। वाकई वह बिल्कुल थके हुए लोगों की सेवा करता है। यहाँ हमने क्वाइट एडवर्ब को देखा जो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों, हमने आज एडवर्ब की जानकारी हासिल की। सुनने और देखने के लिए धन्यवाद।